डॉक्टर साहब स्वागत आपका, नमस्कार। नमस्कार। जेमिनी की जब हम बात करते हैं, और जेमिनाय का जो अपना एक करेक्टरिस्टिक है, मिथुन जिसको हम हिंदी भाषा में समझते हैं, और तो ये राशि किस प्रकार की राशि है, उसके जो जातक हैं उनकी जो प्राथमिक चारित्रिक विशेषताएं हैं, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या होती हैं? मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, जी और बुध जो हो हमारे जो वैदिक अनुसार बुध जो होते हैं एक युवा है, जी लड़का है, और हाँ बहुत ही चुलबुला है, और जी जी मतलब बहुत चीजों में करने का, मतलब वन शुड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। जी जी तो बुध जाति के लोग होते हैं वो बहुत चीजें करते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, हंसमुख होते हैं, जी बात करने में अच्छे होते हैं, और जिसे कहते हैं हैप्पी गो लकी पीपल। सो मेरे को ये साइन बहुत अच्छा लगता है जाति पूर्वक। मिथुन का जो जोडिक साइन है वो डॉक्टर शंकर अड़ावल जी को अतिशय प्रिय है, यानी बहुत अच्छा साइन है। और कहते हैं कि इनके ऊपर बुध का विशेष प्रभाव होता है, और बुध ग्रह की जो विशेषताएं हैं वो इन जातकों की जिंदगी में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, हम जो शुरू किया था हमने मिथुन राशि के बारे में, जेमिनाई के बारे में, आपने बताया कि बुध ग्रह का प्रभाव इनके ऊपर होता है, चंचल होते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं, तकनीकी कार्यों में सफल रहते हैं, वाक्पटु होते हैं। इनका जो अपना जीवन, व्यक्तिगत जीवन जिसकी हम बात करें, रिश्ते नातों की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, वो किस तरह का रहता है? क्योंकि इनका स्वभाव ऐसा होता है कि मिलन सार बात करने के होते हैं, तो इनका इनका जो यूजली रिलेशनशिप्स भी होते हैं ये अच्छे होते हैं, क्योंकि चंचल होते हैं। इनको ये नहीं कि टेंशन हुआ तो लड़ लेंगे, फिर जाएंगे उससे बात कर लेंगे। तो मतलब ऐसे लोगों को ये भी मैंने देखा कि जो व्यवहारिक जीवन होता है वो भी अच्छा रहता है, मगर ये इनमें सबसे जो नेगेटिव ये होता है, क्योंकि एक काम ये बिल्कुल कस के नहीं करते हैं, फोकस्ड वे में नहीं करते हैं, तो ये बहुत चीजें करते हैं फिर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ये एक नेगेटिव है। मगर जहां तक पर्सनल लाइफ का होता है, ये सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं मिथुन राशि वाले, क्योंकि वो फिर उनको ये नहीं रह सकते कि आपसे कोई प्रॉब्लम होगी तो लड़ाई तो दूर तक ले जाएंगे, वो बैठेंगे, बात करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, इस टाइप के होते हैं, तो इस प्रकार से जी अच्छा जी है। यानी कि हमारी जो अभी दर्शक हमारे साथ लाइन पर जुड़ी थी सपना, वो भी मिथुन राशि में ही आती हैं। 30 मई उनका डिटेल था, और 20 मई से 19 जून तक जो है हाँ मिथुन बिल्कुल राशि रहती है। ये बिल्कुल भी देखिए इत्तफाक है। तो इसके साथ साथ, जैसे बुध के बारे में आपने हमें बताया था कि बुध वाणिज्य का, व्यापार का, वाणी का, इन तमाम चीजों का देवता भी है, तो इनके जो जीवन का, जो करियर का ग्राफ है, आर्थिक जो ग्राफ है, वो कैसे, किस तरह से रहता है? कम्युनिकेशंस कम्युनिकेशन इनका ये होता है, जैसे बात करें फ्रंट ऑफिस जॉब्स हो, रिसेप्शन के जॉब्स हो, फिर आगे चल के इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस के जॉब हो। आपका भी बुध अच्छा होगा, जी क्योंकि पहले कर रहे ओरेटर ओरेटर हैं आप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जी तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं आदमी को। चाहे वो बड़ा बड़े एक्टर भी बन जाएगा तो उसमें शुक्र प्रभावी होगा, और बिना बुध के उसकी आवाज का जो लगने क्षमता हैं होती मेरे है, भी बुद्ध हाँ, जो जी आवाज की क्षमता होती है बुध से ही आती है। जी बुध ग्रह के ऊपर हम बात कर रहे हैं, मिथुन राशि के बारे में, यानी जेमिनाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो लोग, जो जातक 20 मई से 19 जून के मध्य जन्म लेते हैं, वो सब होते हैं जेमिनाय। मिथुन राशि की जब बात करते हैं हम, मिथुन के बारे में आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई। मिथुन वालों का जो एक जिंदगी के जो पीरियड्स हैं, जैसे एक शुरू का पीरियड है 16 साल का, फिर उसके बाद हम 26 साल या 12-12 साल के हिसाब से, अगर कौन सा पीरियड ऐसा होता है लाइफ का जिसमें सबसे ज्यादा प्रगति करते हैं? 24 से 36, क्योंकि चौबीस कुमार राशि है, जी जी तो ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ होता है 24 to 36, इनमें इनकी उन्नति ज्यादा होती इसमें है। सबसे ज्यादा उन्नति होती है। ये जैसा आपने बताया, वाणी, व्यापार और ये तमाम चीजों का देवता है बुध, और उसका प्रभाव मिथुन राशि पर रहता है। बहुत अच्छे मित्र होते हैं, कम्युनिकेशंस में जाते हैं। इसके अलावा क्या सिनेमा है, संगीत है, या जो बाकी क्षेत्र है जिनका जिंदगी पर बहुत प्रभाव है, उन क्षेत्रों में मिथुन राशि वालों का क्या दखल है? उन क्षेत्रों में जरूरी है, क्योंकि आजकल बिना वाणी के आप सेल्समैन भी नहीं बन सकते हैं, आप पॉलिटिशियन भी नहीं बन सकते हैं। आजकल के जमाने में तो वाणी बहुत जरूरी है, और उसका वाणी का ये मालिक है। तो जो मिथुन राशि होते हैं उनको बोलना अच्छा आता है, चीज को घुमाना अच्छा आता है, किस तरह किसको पेश करना अच्छा आता है, तो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस हो। तो मर्क्यूरी एज अ प्लैनेट हैज टू बी गुड, मगर मिथुन राशि के जो लोग हों उनमें ये चीज ज्यादा पाई जाएगी। जी जो मित्र ग्रहों की हम बात करते हैं, आपके पुस्तक भी है मार्स एंड मरकरी, तो जब हम ग्रहों की मित्रता की बात करते हैं, कौन से ग्रह के साथ इनका संबंध सबसे ज्यादा अनुकूल होता है? मरकरी क्योंकि ऐसा ग्रह है जो इसका संबंध क्योंकि शुक्र से सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र की जो चीजें हैं वो मरकरी एक दूसरे को बहुत ही संतुलन देती रेसिप्रोकेट है, होते हैं। रेसिप्रोकेट करती हैं। इसी तरह शनि के साथ मरकरी का अच्छा संबंध है, मगर मरकरी का चंद्रमा के साथ और बहुत ही मतलब नेगेटिव होता जी है। जी जी जो हमारे पुराणों में भी कथा आती है, वो कथा सारा आती है, आपने बहुत बताई लंबी थी, कहानी लंबी है, लंबी कहानी। हाँ, मगर चंद्रमा के साथ रहता है, और मरकुरी क्योंकि इंटेलेक्ट का मालिक होता है, जी मून मन का होता है,
तो इंटेलिजेंस और मन में हरदम ही मुठभेड़ रहता है। जी, अगर माइंड और इंटेलेक्ट एक हो जाए तो आदमी फिर मतलब ओशो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है जी। यदि मन और चेतना और हमारा जो विवेक, जिसको बुद्धि की बात करते हैं, इंटेलेक्ट की बात करते हैं, यदि वो समायोजित हो जाता है तो हम चेतना के सर्वोच्च शिखर पर होते हैं, हम बुद्धिमत्ता के अंतिम पायदान पर होते हैं, ऐसा डॉक्टर शंकर अडावल जी हमें बताते हैं। ज्योतिष ऐसा ही विज्ञान है और इसी प्रकार हम ग्रहों की गति को माप सकते हैं, अपनी जिंदगी के उतार चढ़ावों को भाप सकते हैं। जो लोग बोलने में अच्छे नहीं होते, या कोई व्यक्ति जन्मजात ही गूंगा है या अपनी बात को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि बुध ग्रह का प्रभाव उसकी कुंडली में बहुत ही नकारात्मक होगा? बिल्कुल। बुध ग्रह जो होता है, एक केमिकल होता है हमारे बॉडी के अंदर जिसका नाम होता है सोडियम जी, उसका मालिक होता है जी। और आजकल जितने बच्चे ये जितने तुथलाते हैं या हाँ बोल जी, नहीं पाते हैं, जी जी, अगर इनमें जो डीएनए जो अंदर तक जाते हैं तो उसमें वो सोडियम जो सॉल्ट होता है उसकी बहुत ही माइनर कमी होती है जी, उससे, उसके कारण ही सब बोलने की त्रुटियां आती हैं जी। क्या तो बात, एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से भी मरकुरी जो ग्रह है वो सोडियम का, ये आजकल इस पर बहुत रिसर्च चल रही है जी, और वेस्टर्न कंट्री में तो ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, लोग बोलने में बच्चों का प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि वो केमिकल इतने यूज करते हैं, सोडियम ग्रह की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। जी, तो बोलने का और सोडियम का दोनों का बहुत ही एक रिलेशनशिप है और वो मरकुरी ग्रह से संबंधित रखता है। डॉक्टर साहब, मिथुन राशि की बात हमने की, जो हम जेमिनाई की बात कर रहे थे, क्या बुध की बात, बुध की जब हम बात कर रहे हैं तो आपने बताया वाणी की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, बाकी चीजों की बात होती है, स्वास्थ्य के नजरिए से अगर हम देखें तो कैसा स्वास्थ्य होता है इन जातकों का? अगर मरकुरी ग्रह आपका मिथुन वालों का जो लॉर्ड मरकुरी होता है और अगर वो बहुत स्ट्रांग है जी, तो इनका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा होता है। जी, मगर अगर वो एफ्लिक्टेड है किसी प्लैनेट से, जैसे कि मून से एफ्लिक्टेड है या शनि से एफ्लिक्टेड है या कोई और राहु से एफ्लिक्टेड है, तो इनका नर्वस सिस्टम खराब होता है और नर्वस सिस्टम न्यूनतम रूप में खांसी जुकाम होता है जी, सबसे न्यूनतम रूप में, और सबसे एक्सट्रीम रूप में नर्वस सिस्टम खराब कर सकता है और लकवा मार सकता है। जी, जी, तो ये डिपेंड करता है कि कितना एफ्लिक्शन है और कितना वो प्रभावित है, मगर न्यूनतम जो मरकुरी मिथुन राशि वाले होंगे उनका खांसी जुकाम थोड़ा सा ये सब चीजें रहती हैं जी। स्वाभाविक रूप से जो जातक जेमिनाय है मिथुन राशि से संबंध रखते हैं, उनके बारे में डॉक्टर शंकर जी कहते हैं कि मामूली तौर पर जो शीत रोग जिनको हम कहते हैं, नजला है, जुकाम है, इस तरह की प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और बाकी जिंदगी में वो बहुत प्रगति करते हैं। आप अपनी जिंदगी में कितनी प्रगति कर सकते हैं, आपकी जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ावों के बारे में ज्योतिष विज्ञान क्या मान्यता रखता है, आपकी जिंदगी को किस प्रकार ज्योतिष गवर्न करता है, यही हमारा विषय है। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल जी अभी विद्यमान हैं। डॉक्टर, जो हम इस साल की बात करते हैं, ओवरऑल आपने बहुत पहले इंडिया टुडे में मैंने आपका एक लेख पढ़ा था, आपने एक साल पहले ही उसकी भविष्यवाणी की थी कि 2009 बहुत बेहतर नहीं रहेगा सभी के लिए, चाहे राजनीति है, चाहे करियर है, चाहे प्रतिष्ठा है, चाहे बिजनेस, ये सब कुछ हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जो हुआ आप जानते हैं। क्या 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 चीज सबसे ज्यादा इस साल में खो सकते हैं हम लोग, जो बाकी साधारण रूप से सभी जाते हैं इस साल? देखिए, जो गुरु है वो नीच का है, और जब गुरु नीच का होता है तो ये मतलब आप समझिए तो नैतिकता होती है, जब गुरु नीच का राहु उसके साथ है मोटा मोटा, जो ये देश के लिए भी वही है, तो जो देश में जो नैतिकता होती है, सिद्धांत होते हैं, और जितने भी मतलब गुरु जब ठीक नहीं है तो मतलब गुरु ठीक नहीं है, गुरु ही चंडाल हो गया जी, जी, और राहु के साथ है चंडाल हो गया, तो जब हमारा गुरु ही चंडाल हो जाएगा देश में तो नैतिकता, गलत चीजें होना, सदाचार, चरित्र, चरित्र जोड़ तोड़, मतलब ये सब चीजें आपको जून जुलाई तक बड़े विकराल रूप में देखने को कहीं ना कहीं से मिलती रहेंगे, मोटा मोटा तो हम ये कहेंगे और ये होगा ऐसे। जी 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 बिल्कुल, आप जो कहते हैं डॉक्टर साहब, पहले भी आपकी भविष्यवाणी मतलब हो ही रहा है, ये हो ही रहा है, हो ही रहा है, तो इससे कोई भविष्यवाणी जी। ज्योतिष जो है उसका मतलब यही है कि जिंदगी में जो घटने वाला है, जीवन में जो होने वाला है, उसकी पदचाप हम समय से पहले भाप लें, समय से पहले उसको परख लें और उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी को संतुलित करें, बुद्धिमत्ता भी यही कहती है।